सद्दाम हुसैन, इराक के पांचवें राष्ट्रपति, जिन्होंने 24 साल तक इराक का राष्ट्रपति पद संभाला और 30 दिसंबर 2006 को इन्हें फांसी हुई। पिता मजदूरी करते, बचपन में कभी कभी खाना तक नसीब न होता। जब राष्ट्रपति बने, सद्दाम ने अपने लिए पूरे 20 महल बनवाए। सद्दाम के महल में ना होने पर भी हर महल में दिन में 3 बार खाना बनता। सद्दाम ने अपने शासन के दौरान मस्जिदें बनवाई, अपने खून से कुरान लिखवाई। 605 पन्ने वाली इस कुरान को लिखने के लिए सद्दाम ने 3 सालों तक अपना 26 लीटर खून दिया। ये कुरान आज भी बगदाद की उम अल मारिक नाम की मस्जिद में रखी है। सद्दाम के कई दुश्मन थे। उसे यह डर था कि कहीं जहर देकर कोई उसे मार न दे, इसलिए उसके महल में आने वाले खाने के सामान को चेक करने के लिए न्यूक्लियर साइंटिस्ट रखे गए थे। उसका कुक कहीं खाने में जहर न मिला दे, इसलिए कुक के बेटे को नौकरी पर रखा गया था, जिसका काम था सद्दाम से पहले खाने को चखना। सद्दाम को यह पता था कि कुक अपने बेटे को कभी नहीं मारेगा। सद्दाम के कई डुप्लीकेट भी थे। 1984 में ऐसे ही एक डुप्लीकेट को सद्दाम समझकर मार दिया गया था।